चलिए आज हम लोग आ गए हैं अपने 7th क्वेश्चन और सब एरिस सीरीज के तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का नाम है जीरो सम सब एरेज। ठीक है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड फाइंड टोटल काउंट ऑफ सब एरे हैविंग देयर सम इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया कि कोई भी सब एरे में 0 आ जाता है तो रिटर्न ट्रू करना है, तो ऐसा ही सिमिलर 90% सिमिलर क्वेश्चन है। अगर हो तो देख लो, नहीं तो डायरेक्ट ये देखो। तो आपको यही बताना है, इस पर क्या बताना है, कोई भी अगर आपको सब एरे दिखता है जिसका सम 0 है, आपको उसका काउंट करना है और आपको बताना है कि टोटल कितने सब एरे हैं भैया जिनका सम 0 आ रहा है। बेसिकली यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को भी और एक बार समझ लेते हैं वीडियो में हम कैसे कवर करने वाले हैं। भैया पहले हम क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो हमने समझ ही लिया ऑलमोस्ट। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जी हाँ। उसके बाद इसकी एल्गोरिथम को देखेंगे, हाँ जी। और कोड बताइए अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं 1 -3 2 और फिर से मैं देते हैं 0, मैं देता हूँ 0। तो इसका सब एरे कैसा होगा, आप इन तीनों को पकड़ो, ये तीनों भी सब एरे है ना, तो इनका सम कितना होता है 1 -3 + 2 0। तो काउंट कितना हो गया अपना, इसको बढ़ा के 1 हो गया, एक सब एरे एग्जिस्ट किया। उसके बाद कौन सा सब एरे है ये भैया, 0 जो है ये भी तो एक सब एरे है ना, है या नहीं है, ये भी तो एक सब एरे है। तो 0 भी एक सब एरे है जिसका खुद का सम 0 है। ठीक है, और आप अगर इन सबको मिला दो कितना होता है, 1 -3 + 2 + 0 कितना होता है 0। तो टोटल कितने हो गए अपने पास सब एरे, 3। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, नहीं देखने में आसान लग रहा होगा पर करोगे ना कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले वाला मेरा वीडियो देखा है, पिछला वाला वीडियो, उनको तो आता होगा, ये कर ही लेंगे। ठीक है, जिनको नहीं आता है मैं एक बार समझाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल बेस, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए एक बार समझते हैं। उसके लिए भी भैया एक बार हटा दूं मैं, उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ 1 4, देन ले लेते हैं अपन -3 और -1, फिर मैं ले लूँ 6 10, फिर मैं ले लेता हूँ -8 और -8 एंड 2। बस इतना लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सब एरे फाइंड आउट करो। ठीक है, नंबर ऑफ सब एरे आपको फाइंड आउट करना है। देखने में भयंकर लग रहा होगा, देखते हैं कैसे करना है। जिनको पहले पता है, पहले वाला देखा है वीडियो, उनको आता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो वो भी वीडियो, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको कैसे करना है, जैसे ये पहला आया, इधर हम लोग ना एक सम भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे एलिमेंट, ऐसा टाइप का अपन कुछ रखेंगे। ठीक है, जो भी अपन लूप होएंगे ना सबके सब हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो पहला सम प्लस सम इनिशियल 0 है, 0 + 1 कितना होगा 1। ये 1 हम मैप के द्वारा देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप से हम फ्रीक्वेंसी जैसे देखते हैं कि 1 जो है कितने बार आया है, ये पहली बार आया सर, मीन्स इस लूप में ये सम 1 पहली बार आया। ठीक है, फिर 1 + 4 कितना होता है 5 होता है। सर 5 कितने बार आया, एक ही बार आया, वो पहली बार आया है, भाई मेहमान है अपना। और 5 - 3 कितने बार आया है, 5 - 3 कितना होता है 2 होता है। ये कितने बार आया भैया, पहली बार आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 हमारा 1 होता है। लो जी, 1 दूसरी बार आ रहा है। जब ही दूसरी बार कोई भी एलिमेंट आ जाए, मीन्स कोई भी सम आए, इसका क्या मतलब है कि सब एरे 0 मिल गया है। और कहां से कहां तक, ये जो इधर जैसे फ्रीक्वेंसी से लेके इधर 1 है ना, उससे एक बात तक, इधर तक हमारा सब एरे मिला है जिसका सम हमें 0 मिला है। ठीक है, और देखो जैसे इधर देखो 4 - 3 - 1 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अपन क्या कर देंगे, काउंट डिक्लेयर करेंगे, काउंट प्लस जो भी इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी अपना मैप की, जैसे इधर 2 है तो थोड़ा ना ये 2 बार सब एरे, थोड़ा ना एक बार है ना, तो 2 - 1 मतलब एक बार, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी 2 बढ़ रहा है ना। ठीक है, पर है तो एक बार आ रहा है ना, एक सब एरे होगा ना इधर। ठीक है, तो ये दूसरी बार है मतलब पहला सब एरे। ठीक है, तो ऐसे हमें करते रहना है। ठीक है, और इसका भी आप बोलो भैया आपने कैसे किया, इधर 1 से 1 में फ्रीक्वेंसी 2, इसका एक फंडा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। माइनस थ्री माइनस टू नहीं माइनस वन। एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कर देता हूँ, हाँ ठीक है माइनस टू कर देते हैं। तो इसमें देखो और इधर मैं एक काम करता हूँ टू लिख देता हूँ। तो टू तो ठीक है, टू को आप एक्स एज्यूम करो और उसके बाद टू का सम को आप एक्स एज्यूम करो और इसके सम को आप वाई एज्यूम करो। तो आपको पता चलेगा एक्स इक्वल टू वाई। टू एक्स तो टू है और फोर माइनस थ्री माइनस टू, इधर माइनस वन रखो ठीक है, माइनस थ्री माइनस वन फोर, माइनस फोर प्लस फोर जीरो। तो एक्स इक्वल टू वाई ठीक है। तो यही फंडा है ठीक है। जैसे इसका भी देखो, मतलब जब भी आपका कोई भी जीरो होता है वापस वो सम रिपीट हो जाता है ठीक है। तो इसी फंडे पे ये भी वर्क करता है। तो इधर फ्रीक्वेंसी टू हो गई क्योंकि वन वापस आया और मैंने काउंट वन कर दिया, टू माइनस वन ठीक है। तो चलो अब सिक्स आया है तो वन प्लस सिक्स कितना होगा, सेवन होगा। कौन सी बार आ रहा है ये, एक बार आ रहा है ठीक है। अब सेवन प्लस टेन कितना होगा, सेवन प्लस टेन हमारा हो जाएगा सेवनटीन। कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। सेवनटीन माइनस एट कौन सी वाली बात में आया, नौ होगा। सेवनटीन माइनस एट कितना होता है, नाइन होता है। वो भी पहली बार आ रहा है हमारे इसमें ठीक है। इतना तो समझ आ गया हमको कैसे करना है ये। उसके बाद मीन्स नाइन का तो फ्रीक्वेंसी वन और उसके बाद नाइन माइनस एट कितना होगा बताइए, वन हो जाएगा। लो जी वन कितने बार आ गया, तीसरी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन कितना होगा, तीसरी बार, मतलब दो बार आया, सब एरेज के होंगे। थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन टू ठीक है। वन प्लस टू इतने ऐड हो रहे हैं अपने काउंट, समझ रहे हो ना। और काउंट इनिशियल मैंने जीरो रखा था ठीक है। और ये कैसे होगा, ये कौन सा सब एरे, तो आप कैसे करोगे, वन इधर आ रहा है तो ये एक सब एरे मिल गया आपको, वन के बाद वाला सब एरे नंबर वन ठीक है। और एक और सब एरे कहाँ होगा, इधर भी वन है ना, तो एक बार मैं कलर चेंज कर दूं, ये रहा एक और सब एरे क्योंकि ये भी तो वन के बाद है। तो आपको इधर दो सब एरे मिल गए, दो सब एरे और इधर एक सब एरे। उसके बाद टू, उसके बाद वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री हो गया ठीक है। थ्री कौन से बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने इधर कितने सब एरे हो गए, अपने इधर तीन सब एरे हो गए। तो यही फंडा है ठीक है। होप आप सबको समझ आया होगा। अभी एल्गोरिथम देख लेते हैं ठीक है। दोस्तों हम लोग एल्गोरिथम देख लेते हैं ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम में हमें सबसे पहले क्या करना है, आप मैप घुसाइए, फ्रीक्वेंसी का काम है, घुसा दिया। फिर आप इनिशियलाइज कीजिए, सम की वैल्यू जीरो और काउंट की वैल्यू जीरो। काउंटर ही तो एट द एंड हमें रिटर्न करना है ना, और सम किस लिए करना है कि चेक करने के लिए ठीक है। और आप लूप को ट्रैवर्स कीजिए और लूप को घुमाइए ठीक है। और सम में मीन्स एरे के एलिमेंट्स को कंटिन्यूस ऐड करते जाइए ठीक है। हम करते थे जो अब हम लोग ने किया था। उसके बाद क्या कीजिए, आप चेक कीजिए अगर सम कहीं भी जीरो मिल रहा है, अगर सम डायरेक्टली जीरो, पहला एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो आप इंक्रीमेंट कर दीजिए ना, काउंट को इंक्रीमेंट कर दीजिए अगर डायरेक्ट जीरो मिल रहा है तो ठीक है। और दूसरा अगर जीरो तो नहीं मिल रहा सम, पर सम जो सम मिला है वो पहले भी रिपीट हो चुका है, तब आपको पता ही है क्या करना है कि अगर वो सम पहले नया नहीं है वो पुराना है, मतलब वन जैसे आपने देखा तीन बार आया है ठीक है, ऐसा कुछ है तो आप काउंट कीजिए, काउंट प्लस काउंट फ्रीक्वेंसी माइनस वन। जैसे वन की लास्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, तीन आई थी, तो फ्रीक्वेंसी माइनस वन। असली में सब एरे कितने थे, दो थे ना, वो तो फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी माइनस वन जो आप मैप की मदद से आराम से कर सकते हैं इतना। और एट द एंड जो भी नया एलिमेंट, जो भी नए सम आ रहे हैं आप उसको मैप में इंसर्ट कराते रहिए ठीक है। तो मैप को इंक्रीमेंट करते रहिए ठीक है, मैप की फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ाती रहिए। और वही था एल्गोरिथम, इतना ही है, यही क्वेश्चन था। तो आप सब होप आप सबको समझ आया होगा। और अगले मीन्स वीडियो में आपको कोड मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।